दिस इज मान्या मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बायोटिन सप्लीमेंट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो दिस सप्लीमेंट इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ओलिना एंड ओलिना इज माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स। आप लोगों ने शायद मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने ओलिना का वुमेन्स प्रोटीन पाउडर का रिव्यू किया था। एंड द रीजन आई लाइक ओलिना सो मच इज बिकॉज ओलिना के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, दे आर टोटली प्लांट बेस्ड। मतलब उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडेड शुगर नहीं होता, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होते एंड कोई भी यू नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता, जो कि उनको बहुत ज्यादा नेचुरल एंड बहुत ज्यादा यू नो ट्रस्टवर्दी बनाता है। दैट इज व्हाई आई लाइक ओलिना सप्लीमेंट्स अ लॉट। इस टाइम मैंने ओलिना का होल फूड बायोटिन ट्राई किया है। एंड अगर आप सभी नहीं जानते हैं कि बायोटिन क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। बायोटिन इज अ वाइटामिन विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ योर हेयर, फॉर द ग्रोथ ऑफ योर नेल्स एंड फॉर योर हेल्दी लुकिंग स्किन। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना अराउंड 2 months बैक एंड आई वॉन्टेड टू यू नो ट्राई एंड टेस्ट दिस प्रोडक्ट आउट। एंड मैं इस प्रोडक्ट को 2 महीने से यूज कर रही हूँ। एंड ये जो ओलिना का बायोटिन है, मेरे पास इसका ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें शायद से 2 flavors और आते हैं, एक तो वाटरमेलन एंड एक रोज। तो आप तीनों में से कोई सा भी फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। सो आप लोग देख रहे होंगे कि शायद लास्ट कुछ टाइम से मेरे जो बालों की ग्रोथ है वो एकदम स्टक हो चुकी है एंड माई हेयर्स आर यू नो एक्स्ट्रा ड्राई एंड एक्स्ट्रा फ्रिजी ऑल द टाइम। सो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ एंड बिकॉज मैं बालों में अपने कलर वगैरह भी करवाती रहती हूँ, सो इसी वजह से मेरे जो बालों की क्वालिटी है वो और ज्यादा खराब हो गई थी। एंड उसको एनहांस करने के लिए आप कितने भी एक्सटर्नली प्रोडक्ट्स यूज कर लें, भले ही आप कितने महंगे महंगे शैम्पूज लगा लें, स्पा करवा लें, स्पा वगैरह के भी इफेक्ट 1 या 2 महीने से ज्यादा चलते नहीं है। सो अगर आप अंदर से किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको उसको डेफिनेटली इंटरनली ही कंज्यूम करना होगा। सो जो ओलिना का बायोटिन पाउडर है, ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से मिलकर नहीं बना है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल 5 ingredients which makes it different and special. So सबसे पहले इसमें होता है सेसबैनिया एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके बालों की एंड नाखूनों की यू नो नेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है एंड आपकी स्किन को अंदर से ग्लोई भी बनाता है। एंड नेक्स्ट इसमें होता है पोमग्रेनेट। सो आप सभी जानते हैं कि पोमग्रेनेट तो वैसे भी अपने स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको रेगुलरली पोमग्रेनेट कंज्यूम करना चाहिए, बट जो कि डेफिनेटली हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें है सी बकथॉर्न विच इज वेरी हाई इन विटामिन ए एंड विटामिन ए इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर योर स्कैल्प नरिशमेंट। तो आप ये बात समझिए कि अगर आपको अपने बाल हेल्दी चाहिए तो इट्स नेसेसरी कि आपका स्कैल्प भी हेल्दी हो। एंड अगर आपका स्कैल्प में पूरी डैंड्रफ है या फिर अगर आपका स्कैल्प बहुत एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करता है या फिर अगर आपका स्कैल्प ऑयल ही प्रोड्यूस नहीं करता, सो इन तीनों चारों चीजों की वजह से जो आपके बाल होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका टेक्स्चर कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड नेक्स्ट इसमें होता है आंवला। सो आप सभी जानते हैं कि आंवला तो इट्स अ गॉड ऑफ यू नो स्किन एंड हेयर्स एंड ऑब्वियसली आंवला टेस्ट में इतना ज्यादा खराब होता है कि आंवला आप ऐसे तो कंज्यूम नहीं कर सकते। आई ट्राइड आंवला जूस वंस और ट्वाइस, बट कभी भी मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया बिकॉज इट इज सो बिटर इन टेस्ट। और 5th ingredient जो इसमें प्रेजेंट होता है वो है बैम्बू शूट। सो बैम्बू शूट क्या करता है, बैम्बू शूट आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, समझ रहे हैं आप, इलास्टिसिटी को एंड आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है अंदर से। सो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, मतलब पतले से आप समझ रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डेंसिटी, बट अगर आपका एक इंडिविजुअल बाल बहुत आसानी से टूट जाता है और बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी पतली है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आपके बालों की कैटेगरी है वो थिन में ही आती है। सो इसके लिए इसमें जो बैम्बू शूट होता है वो बहुत हेल्प करता है आपके बालों को ताकत देने में, ताकि आपके बाल आसानी से कोम करने में टूटे ना। सो अब बात आती है कि आप इसको कंज्यूम कैसे करें। सो इसको कंज्यूम करना बहुत 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 ज्यादा आसान है, आप इसको दिन में एक बार कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसको रात में ही लेना है या दिन में ही लेना है, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज दैट कि आप इसको अपने ब्रेकफास्ट के साथ इंक्लूड करें, बिकॉज अगर आप इसको अपने ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं तो यू नो एक हेल्दी सा रूटीन बन जाता है एंड प्लस इट टेस्ट अमेजिंग। तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप ऑरेंज जूस ले रहे हैं, एंड अगर वाटरमेलन में लेते हैं तो आपको लगेगा कि आप वाटरमेलन जूस ले रहे हैं। ओलिना का होल फूड बायोटिन पाउडर कंज्यूम करना बहुत ही आसान है। मैंने इसमें सबसे पहले 250 ml ऑफ नॉर्मल वाटर लिया है एंड देन उसके बाद 1 scoop ऑफ बायोटिन पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स किया है। यूजुअली मैं इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही कंज्यूम करती हूँ, आप चाहें तो इसे दिन में कभी भी ले सकते हैं। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों एंड नेल्स की ग्रोथ के लिए। अब
बारी आती है कि इस बायोटिन पाउडर को कौन सा एज ग्रुप कंज्यूम कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल जेंडर बायस्ड, इसको मेल्स भी यूज कर सकते हैं, फीमेल्स भी यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेल्स के लिए तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेल्स में बॉल्डनेस इज अ वेरी कॉमन इशू एंड वक्त से पहले ही उनके बाल जो है वो काफी ज्यादा पैचेस में जगह जगह से निकलने लगते हैं। तो अगर आप इसको 30 से 90 डेज तक कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो ट्रस्ट मी आप इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा रहा है। मेरे बालों की जो यू नो ग्रोथ है वो इनहेंस हुई है एंड मेरे बालों ने झड़ना काफी हद तक कम कर दिया है। अब शायद अब मैं कॉम करती हूँ, इससे 2 से 3 बाल ही निकलते हैं, अदरवाइज पहले तो बंच में मेरे बाल निकला करते थे। एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एंटी एजिंग एज वेल। सो ये जो लेट 20s एंड मिड 30s वालों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बट ऑब्वियसली अगर आप 18 एबव भी हैं एंड अगर आपका हेयर फॉल वगैरह ज्यादा हो रहा है तो आप इसको डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि इसको कंज्यूम कैसे करना है एंड इस प्रोडक्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप इसको ओलिना की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां से जाके भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। ये दोनों ही जगह पे प्रेजेंट है एंड मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट, बिकॉज ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है एंड साथ ही साथ बेनिफिशियल भी होता है, बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया कि बायोटिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। आई शुड डेफिनेटली चेक दिस प्रोडक्ट आउट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन एंड आई सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल देन।